हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि भारत सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। जी हाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। वो फैसले हैं शिक्षकों और छात्रों को लेकर के, यानी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे शिक्षकों का काम भी आसान हुआ है। वो काम कौन सा है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उसके पहले क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही हम ब्रेकिंग न्यूज लेके आते रहेंगे। और साथ ही साथ में बेल आइकन जो है उसको ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो में डालू उसका नोटिफिकेशन आपको ईजी से अवेलेबल हो जाए। चलिए देख लेते हैं भारत सरकार के अहम फैसले क्या हैं टीचर्स एंड स्टूडेंट को लेकर के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 जो न्यू अपडेट हैं वो आई हैं। 2 अपडेट छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए है, 1 अपडेट टीचर के लिए है। चलिए सबसे पहले टीचर के सेक्शन की ओर चलते हैं, क्योंकि उसमें 1 अपडेट है। तो आपको मालूम है कि इसमें जो है पुनर्मूल्यांकन यानी मूल्यांकन का काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे टीचरों के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि मूल्यांकन करने के साथ साथ में उन्हें प्रतिदिन जो है डेली जो है ऑनलाइन जो क्लासेस चलती थी उसकी भी रिपोर्टिंग जैसे कार्य को उन्हें करना पड़ता था। इसके मद्देनजर अभिभावक छात्रों के बाद जो केंद्रीय मंत्री निशांक है, उन्होंने गुरुवार को शिक्षकों से भी इसके बारे में ऑनलाइन चर्चा की थी। और इस दौरान शिक्षकों को की ओर से उठाए गए कई समस्याओं को तुरंत ही समाधान भी कर दिया गया। तो शिक्षकों की ओर से ये बात रखी गई थी कि मूल्यांकन कार्य में लगाए गए शिक्षक जो हैं उनको उसके बाद मूल्यांकन के बाद भी साथ साथ में ऑनलाइन क्लास और प्रतिदिन की रिपोर्टिंग जैसे कार्यों को जोड़कर रखा गया था। तो शिक्षकों ने जैसे ही निशांक के सामने इन समस्या को रखा, उन्होंने तुरंत ही ऐसे सभी शिक्षकों को दूसरे सभी कार्यों से मुक्त करने के निर्देश दे दिए। यानी कि जो टीचर सिर्फ पहले मूल्यांकन करते थे वो सिर्फ मूल्यांकन ही करेंगे, कॉपी की चेकिंग करेंगे, दूसरे अदर वर्क नहीं करेंगे। पहले ये होता था कि मूल्यांकन के साथ साथ में उन्हें ऑनलाइन क्लास की भी रिपोर्टिंग जैसे काम करने पड़ते थे, लेकिन अब वो उनको नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे टीचर के लिए जो है एक न्यू अपडेट है। चलिए अब हम जो नेक्स्ट न्यूज हम आपको बताने वाले, ये सभी जो न्यूजें हैं आज की पेपर की हैं। आज फ्राइडे आपको पता है, तो ये सभी जो न्यूज है आज की ही है, आप किसी भी पेपर में देख लीजिए। तो यहाँ पे टीचर के लिए हो गई। अब जो दूसरी न्यूज देख लेते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट के लिए क्या है। तो इम्पॉर्टेंट जो न्यूज है, एक तो ये है कि शिक्षकों की भर्ती में 18 महीने का डीएलएड कोर्स होगा मान्य। यहाँ पे सबसे बड़ी जो खुशी दी गई है वो दी गई है एनआईएस से, जिन लोगों ने डीएलएड किया है, और कम में नहीं 15 लाख टीचरों ने यहाँ से जो है वो ट्रेंड हुए हैं, डीएलएड किए हैं। लेकिन अभी तक जितनी भी प्राइमरी लेवल की वैकेंसीज आती थी वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है इस डिप्लोमा को मानने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये जो कोर्स है वो 18 महीने का है। एनसीटी जो है, जो कि रूल रेगुलेशन बनाती है, वो 2 साल के कोर्स के लिए मान्यता देती है कि जिन लोगों ने 2 साल का कोर्स किया है वो सिर्फ एलिजिबल हो सकते हैं टीचिंग्स के लिए, ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। लेकिन अब जो है आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का 18 महीने का डीएलएड कोर्स अब शिक्षकों की भर्ती में मान्य होगा, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को शिक्षकों के साथ चर्चा करते हुए इस विवाद का पटाक्षेप कर दिया। साथ ही कहा कि कोर्ट के आदेश का सम्मान होगा। कोर्ट ने आदेश दिया था, और मैं शुरू से कह रही हूँ कि जब से मैंने आप लोग को डीएलएड कराया था, मैंने आपकी प्रिपरेशन करवाई है जब से, तब से मैं कह रही हूँ कि आपका कोर्स 18 मंथ का है, लेकिन साथ में मान्य भी है, क्योंकि एनसीटी ने खुद ही मान्यता दी थी, तभी यह चार्डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वो इस कोर्स को लेके आया था। और बिहार में तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी कि जब वहाँ पे वैकेंसी आई थी टीचर की, खासतौर पर प्राइमरी लेवल की, तो वहाँ पे बिहार सरकार ने इसे अमान्य घोषित कर दिया। और सबसे ज्यादा एनआईएस से जिन लोगों ने डीलेट किया है वो बिहार के थे, 4 लाख के समथिंग थे, उन लोगों ने जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, वहां से उनको जीत मिली थी।
तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि यदि कोर्ट जो है इस चीज को मान मान रही है तो हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। और 15 लाख शिक्षकों को यहाँ पे बड़ी राहत दी गई है। 18 महीने के इस डीएलएड कोर्स को लेकर विवाद की शुरुआत उस समय जब हुई थी जब बिहार सरकार की ओर से निकाली गई शिक्षकों की भर्ती में NIOS से इस कोर्स को करने वाले निजी स्कूलों के शिक्षकों ने भी आवेदन किया था। इस पर राज्य सरकार ने शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण करने वाले संस्था NCT उससे पूछा था कि क्या NIOS से 18 महीने का डीएलएड करने वाले भी शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं, और जिसके जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ी इस संस्था ने 18 महीने के लिए डीएलएड कोर्स को इसके लिए अमान्य करार दे दिया। साथ ही कहा कि इसके लिए पात्र नहीं है। और इसके बाद निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले ये सभी शिक्षक जो है पटना हाईकोर्ट पहुंचे थे, और इस बीच कोर्ट ने NCT के पात्रता नियमों को गलत बताते हुए इन सभी शिक्षकों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने के योग्य करार दे दिया। लेकिन इसके बाद डाले और NCT इस मामले को लटकाए रहे, और हाल ही में ऐसा ही विवाद त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में खड़ा हो गया था। स्कूलों में पढ़ा रहे करीब 15 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए सरकार ने जो है एक राह खोल दी है आगे बढ़ने की। ठीक है, तो अब जो है ये भी जो है प्रशिक्षित तो थे लेकिन जो है वैलिड नहीं थे, अब ये वैलिड हो गए हैं किसी भी प्राइमरी लेवल के टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। तो ये है डीलेट से जिन लोगों ने ना ये से डिलेट किया उन लोगों के लिए न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि वो मान हो चुके हैं। दूसरी न्यूज़ जो है स्टूडेंट की वो ये है कि 9वीं और 11वीं में फेल हुए छात्रों को मिलेगा एक और मौका। जी हाँ, यहाँ पे इन छात्रों को एक और मौका दिया जा रहा है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने इस बार 9वीं और 11वीं कक्षा में फेल हुए छात्रों के हित में एक अहम फैसला लिया है, और सभी स्कूलों को उन छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं जो इस साल किसी विषय में फेल हो गए थे। CBSE के इस नोटिस को खुद मानव संसाधन विकास मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है, और उन्होंने लिखा है कि CBSE स्कूल कक्षा 9वीं एवं 11वीं में अनुत्तीर्ण छात्र को एक मौका दे। नोटिस में कहा गया है कि ये 9वीं और 11वीं कक्षाओं में फेल होने वाले छात्रों को एक बार फिर परीक्षा देकर पास होना होगा, उन्हें ये मौका दिया जाएगा और परीक्षा स्कूल में ही ली जाएगी। वहीं ये सुविधा उन सभी छात्रों के लिए होगी जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं और रिजल्ट जारी हो गए हैं, वो फेल हो गए थे किसी एक या दो सब्जेक्ट में, तो उनको ये मौका दिया जा रहा है। और जिन लोगों की परीक्षाएं ही नहीं हुई है तो उनको सीधे प्रोन्नत कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया है, आगे की क्लास में जो है भेज दिया गया है 1 से लेकर के 8 तक के लिए। लेकिन 9th और जो 11th के स्टूडेंट थे उनको ये था कि ये उनके एग्जाम्स लिए जाएंगे, एग्जाम्स लिए गए थे, लेकिन उसमें जो स्टूडेंट फेल हुए उनके लिए एक मौका यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये बिग न्यूज़ है। UGC नेट से भी संबंधित एक न्यूज़ आई है कि UGC नेट की परीक्षा की तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। कब UGC नेट के जो एग्जाम्स होंगे नेट के वो कब होंगे तुरंत ही बताया जाएगा। तो आज हमने 3 मेन न्यू अपडेट ली है। एक तो लिया है शिक्षकों का, टीचरों का, कि उन्हें जो है अब सिर्फ और सिर्फ मूल्यांकन करना होगा और उनके पास कोई और काम नहीं रहेगा, अदर काम नहीं दे सकते हैं। दूसरा है जो जिन लोगों ने NIOS से डिलीट किया उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उनका कोर्स जो है मान होगा वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए वैलिड है। और तीसरा है कि 9वीं और 11वीं में फेल हुए छात्रों को मिलेगा एक और मौका एग्जाम देने का और पास होने का। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।